कांग्रेचुलेशंस बोलो, उनकी शादी हो गई। यस यार, कुंडली इज द बिगेस्ट शो ऑफ माय करियर एंड द काइंड ऑफ लव आई गॉट यू नो फ्रॉम कुंडली भाग्य बीइंग करण लूथरा दी करण लूथरा, आई थिंक दैट्स अमेजिंग एंड आई एम टोटली एक्साइटेड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड ऑडियंस एंड फैंस से ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था, करण प्रीता की शादी का फाइनली हो गई है। मैंने आप लोगों से पहले बहुत बार कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है और वो फल आई थिंक मीठा है आप लोगों के लिए। यू गाइज आर इन्जॉइंग द ट्रैक एंड लेकिन आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आर कमिंग अप, सो कीप वॉचिंग कुंडली भाग्य। मैं बहुत खुश हूँ इनकी शादी हो गई। और मैं रोज़ इनको कहती हूँ मिठाई तो नहीं खिलाई, मिठाई तो ले आते, शादी हो गई थी तो या दैट। बट नहीं, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमेशा पूछने कि करण प्रीता की शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। मैं भी इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का कि अब कर ही लो शादी, अब तो बहुत टाइम हो गया है। सो दैट बाकी आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम एंड टच वुड कुंडली इज़ डूइंग सो वेल। ऑडियंस भी यही कह रही थी कि अब कर लो, अब कर लो, हर एपिसोड में कहीं ना कहीं अटक जाती थी। मैं भी यही कहती थी कि अब कर ही लो, अब तो फाइनली हो गई है। अच्छा, शाइनी पे आता हूँ, क्या कहने चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो उनके लिए? वेरी एक्साइटेड यार, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड बहुत स्पेशल है वो हमारे लिए। और आई थिंक वही दर्शाने के लिए, नॉट दर्शाने के लिए, वो उनको महसूस कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत सारा डांस करने वाले हैं और यू नो शी इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड फॉर अस एंड वी विश ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट लाइफ अहेड फॉर हर। मे द कमिंग ईयर गेट द बेस्ट थिंग्स फॉर योर लाइफ। मैं ये बहुत डांस करते हैं और स्पेशली आई हैव टू टेल एवरीबडी दिस सीक्रेट, सो धीरज इज़ नॉट अ पार्टी एनिमल एनिमल, लेकिन जहाँ जिस कमरे में जिस पार्टी में इनको अपने मन पसंद के दोस्त मिल गए, उस पार्टी में देखिए कभी इनके रंग ढंग। ही इज़ अ चाइल्ड, ही डांसेस, ही इन्जॉयज, क्योंकि अपने जब मिल जाते हैं ना तब आई थिंक ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। एंड आई थिंक शाइनी इज सच अ लवली गर्ल, हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, और भी बहुत सारे दोस्त हमें मिलने वाले हैं, हमें पता है। एंड आई कांट वेट टू गो अप, आई एम श्योर ही कैन नॉट वेट टू गो अप एंड हैव फन। और मुझे पता है ये बहुत सारे डांस करने वाले। हाँ यार, यही तो बातें होती हैं हम लोगों की। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो वी गेट लाइक थाउजेंड ऑफ मैसेजेस इन अ डे फ्रॉम फैंस एंड ऑडियंस की कब करोगे शादी, कब खुलेगा पृथ्वी शर्लिन का राज। ये आंसर दे दे कि मैं जहाँ इवेंट भी करता हूँ, अभी आई जस्ट वेंट टू दुबई फॉर एन इवेंट, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आंसर है। मैंने हर जगह यही कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है और फाइनली शादी हो गई। आई थिंक 2019 में होनी थी और 2019 में हो गई, जैन में होनी थी, फेब में होनी थी, मार्च में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी हो गई। ये मेरे घर की बिग बॉस है। बिग बॉस कभी सोचा ही नहीं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सोचा नहीं, और जब करने की बारी आएगी तब देखेंगे। आई थिंक वी शुड लीव दैट एज अ सरप्राइज फॉर ऑडियंस कि करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसा होगा। अच्छा, अगर ऑफर आए तो करना चाहेंगे? मैंने वही कहा, मैंने सोचा ही नहीं है एक्चुअली, शायद कर भी लूँ, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन लीव माय होम, माय हस्बैंड, माय फैमिली। बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं इनफैक्ट आई वाज शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज फॉर अ मंथ इन मथुरा, तो वो एक महीना आई थिंक हम दोनों ने बहुत मुश्किल से काटा। और उस वक्त रियलाइज हुआ कि लगता है कि चलो शूटिंग है, आ जाएंगे, बट आसान नहीं होता अपनों से अलग। इवन आई वाज बिजी यार, मैं भी नहीं जा पाया मथुरा। मैं जाना चाहता था बहुत बार, लेकिन मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट था। बिग बॉस इज 2-3 मंथ्स। अच्छा, तो मैंने अभी अपना दिल पक्का नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट देखते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप शादी की बात कर रहे हो, बेस्ट कपल आप रियल लाइफ के माने जाते हैं। आप सो स्वीट, आप हमेशा साथ में आते हैं, आप टाइम देते हैं अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग यार, काम ना काम इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम के साथ ज़िंदगी जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काम किस लिए करते हैं? हम ज़िंदगी जीने के लिए। अगर यही चीज़ हम लोग मिस कर देंगे, आई थिंक ये छोटी छोटी खुशियां, दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठना, दो बातें करना, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ये चीज़ें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। यस, कई बार शेड्यूल इतना हैवी होता है कि आप लोग नहीं जा पाते कहीं पर, लेकिन आई मेक श्योर कि जितना भी मैं बिजी हूँ कुंडली के साथ, आई जस्ट मेक श्योर कि आई स्पेंड माई टाइम, आई गिव माई फैमिली टाइम टू हर, टू माई फैमिली, ताकि इनको कभी ऐसा ना लगे कि मैं काम में बिजी हो गया। कभी नहीं लगता, नेवर। एक आखिरी सवाल, क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, हाँ, और सेम आरए की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है 2007 पेज जो काटे जा रहे हैं, तो लैपटॉप में ना मेट्रो, नहीं यार, मुझे नहीं लगता, देर ऑलवेज ऑप्शंस। मुझे लगता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और मुझे बिल्कुल लगता है, आई एम टोटली सपोर्टिंग दिस कॉज, कि
देर आर लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल इन मुंबई, नियर मुंबई. आप कहीं पे हो जाके डिपो बनाइए, कुछ भी कीजिए, बट यू नो आज के उसमें जब क्लाइमेट इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिगेस्ट कॉज राइट नाउ, यू नो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो आई थिंक सेविंग सिंगल वन टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और इतने सारे पेड़ काटना, आई थिंक दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. थक गए हम, यू नो स्कूल में बच्चों को सिखाते सिखाते कि प्लांट ट्रीज, ऑक्सीजन इज सो इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड यू नो एवरीथिंग. और उसके बाद हम बड़े समझदार लोग जब ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन पावर. लेकिन जिनके पास पावर है वो जब ऐसे डिसीजन लेते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती है, बिकॉज यू नो हम सबको पता है कि ये सही नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. इसके पीछे क्या वजह है, या क्या आई डोंट नो क्या पॉलिटिक्स है, या क्या डिसीजन.